मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क रही है। बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार देर रात हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृत क्वाटा इलाके में मेतई समुदाय से है। हिंसा की इस घटनाओं में कुकी समुदाय के कई घर भी जला दिए गए। बिष्णुपुर पुलिस ने मेतई समुदाय के 3 लोगों की हत्या की यहाँ पर पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुछ लोग बफर जोन पार कर मेतई इलाके में आए और उन पर गोलीबारी करी। आपको बता दें कि केंद्रीय बलों द्वारा सुरक्षित बफर जोन बिष्णुपुर जिले में क्वावकटा क्षेत्र में 2 किलोमीटर से अधिक आगे बनाया गया है। हिंसा के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इससे 2 दिन पहले भी मणिपुर में हिंसा हुई थी। बिष्णुपुर जिले में सशस्त्र बलों और मेतई समुदाय के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 17 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इम्फाल में घोषित कर्फ्यू में ढील के आदेश को वापस लेना पड़ा था। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर दिन के दौरान प्रतिबंध लगाया। सशस्त्र बलों और मणिपुर पुलिस ने जिले में कांगवाई और फोगाक चाओ इलाकों में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तब हुई जब मैतुई समुदाय की महिलाएं जिले में एक बैरिकेड क्षेत्र को पार करने के लिए प्रयास कर रही थी। उन्हें असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स ने रोका, जिससे समुदाय और सशस्त्र बलों के बीच पथराव और झड़प की खबरें सामने आई। लगभग 3 महीने से पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़की हुई है। अब तक 160 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हो गए हैं। मैथी समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क उठी। मणिपुर की आबादी में मैथी लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं 40% है, मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि 3 महीने से यह हिंसा जारी है, जिसको रोकने में अभी तक वहाँ का सिस्टम और सरकारें फेल रही हैं।